हाय फ्रेंड्स, आज एक एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारा फिंगर मूवमेंट है वो काफ़ी इजी और एकदम फ्री हो जाएगा, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो इस ये एक्सरसाइज करने के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड फिंगर और फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर। फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट नोट बजाना, सेकंड फ्रेट से सेकंड फिंगर पे सेकंड, थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर से थर्ड और फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से फोर्थ। इसको हमें 1 2 3 4, फिर एक स्ट्रिंग नीचे, फिर 1 2 3 4, फिर एक स्ट्रिंग नीचे, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक जाके बजाना। तो देखते हैं कैसे बजाना। एक स्ट्रिंग में पहले ये फर्स्ट सेकंड थ्री फोर चार नोट, उसके बाद डाउन स्ट्रिंग में और उसमें 1 2 3 4, वो चार नोट। तो देखते हैं कैसे बजता। देखा कैसे बजा है, वापिस एक बार देखते हैं। ऐसे ऊपर से नीचे तक बजाना है, उसके बाद हमें डाउन से अप में जाना है। तो ये फोर्थ फ्रेट में लास्ट स्ट्रिंग है उसको पहले बजाना है, उसके बाद थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, उसके बाद सॉरी थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, उसके बाद सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, उसके बाद फर्स्ट। तो ये नीचे से हमको जैसे ऊपर से नीचे है उस तरह सीधा वापस जाना है। 4 3 2 1, एक स्ट्रिंग ऊपर, 4 3 2 1, एक स्ट्रिंग ऊपर, 4 3 2 1। तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है। एक बार वापस ऊपर नीचे दोनों साइड बजा के दिखाता हूँ कैसे बजता है। तो ऐसे बजाने से क्या होगा, हमारा जो फिंगर मूवमेंट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग और स्पीडी हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हमारा चारों फिंगर का यूज करने का प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट फ्रेट दबाते हैं, उसके बाद फोर्थ आता है तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इस तरह ये प्रैक्टिस करने से ये हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वापिस एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका फिंगर का मूवमेंट एकदम फ्लुएंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।